हरे कृष्णा राधे राधे। आइए जानते हैं 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार का पंचांग। सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:32 पर, चंद्रोदय होगा शाम को 4:28 पर, चंद्रास्त होगा 27 सितंबर को सुबह 4:05 पर, तिथि रहेगी द्वादशी 27 सितंबर को सुबह 1:45 तक, उसके उपरांत त्रयोदशी लग रही है। नक्षत्र रहेगा श्रवण सुबह 9:42 तक, उसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र लग रहा है। योग रहेगा सुकर्मा सुबह 11:46 तक, उसके उपरांत धृति योग लग रहा है। करण रहेगा भव दोपहर 3:25 तक, उसके उपरांत बाल 27 सितंबर को सुबह 1:45 तक। वार रहेगा मंगलवार, पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:53 से सुबह 5:40 तक, प्रातः संध्या सुबह 5:16 से सुबह 6:28 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:54 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:19 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 6:32 से शाम को 6:55 तक, सायं संध्या मुहूर्त शाम को 6:32 से शाम को 7:43 तक, अमृत काल होगा सुबह 9:52 से रात्रि 11:18 तक, निशीत मुहूर्त होगा 27 सितंबर की सुबह 12:06 से सुबह 12:54 तक। द्वीप स्कर योग रहेगा सुबह 9:42 से 27 सितंबर की सुबह 1:45 तक। अशुभ समय की बात करें तो राहु काल होगा दोपहर 3:31 से शाम को 5:01 तक, यमगंड होगा सुबह 9:29 से सुबह 10:59 तक, गुली काल होगा दोपहर 12:30 से दोपहर 2 तक, विडाल योग होगा सुबह 9:42 से 27 सितंबर की सुबह 6:28 तक, पंचक रहेगा रात्रि 8:28 से 27 सितंबर की सुबह 6:28 तक। दिशाशूल होगा उत्तर दिशा में, दिशा सूल यात्रा हेतु विचारा जाता है, जिस भी दिशा में दिशाशूल हो उस दिशा की यात्रा अनिष्टकारी मानी जाती है। अग्निवास होगा पृथ्वी में 27 सितंबर की सुबह 1:45 तक, उसके उपरांत आकाश में। अग्नि का वास पूजा यज्ञ हवन अनुष्ठान में विचारा जाता है। अग्नि का वास जब पृथ्वी पर हो तब यह पूजा शुभ एवं मंगलकारी बताई गई है। शिववास होगा कैलाश पर 27 सितंबर को सुबह 1:45 तक, उसके उपरांत नंदी पर। शिव का वास रुद्राभिषेक हेतु विचारा जाता है। शिव का वास जब कैलाश पर नंदी के साथ और गौरी के साथ हो तब यह पूजा शुभ एवं मंगलकारी बताई गई है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।